हम हैं इस वक्त दिल्ली के शीला सिनेमा में और यहाँ पर नोटबंदी का कितना असर हुआ है, क्योंकि हम यहाँ अगर बात करें सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हैं वहाँ पर किस तरह का बिजनेस चल रहा है? एक महीना हो चुका है, क्या अभी भी जो सिनेमा गोअर्स हैं क्या आज भी उतनी संख्या में आ रहे हैं? आइए बात करने के लिए हमारे साथ हैं शीला सिनेमा के मैनेजर सर, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ के बिजनेस पर कितना असर पड़ा है या नहीं पड़ा? नहीं, फ़र्क पड़ा है, पिछले एक महीने पहले काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अब थोड़ा सा आज पिक्चर लगी है बेफिक्रे, इसमें थोड़ी जनता आनी शुरू हुई है। अच्छा, और धीरे धीरे और कम होता जाएगा। ओके, अच्छा पहले कितने यहाँ पर व्यूअर्स आते थे, कितनी संख्या मतलब पर डे रहती थी? तो बहुत बहुत अच्छे लोग आते थे, 500 और 700 लोग आ ही जाते थे। ठीक है, 959 की कैपेसिटी होती थी। हाँ। तो इतने लोग तो आ ही जाते थे। अब ये थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, धीरे धीरे लोगों पर पैसा आना शुरू हो गया, लोग आना शुरू हो रहे हैं। जी जी, चलिए, तो फ़र्क यहाँ पर भी पड़ा है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, अब इन्हें थोड़ी उम्मीद है फिल्म बेफिक्र क्योंकि यहाँ लग गई है तो हो सकता है, और लोगों के पास अब क्योंकि कैश फ्लो भी हो गया है तो उम्मीद है यहाँ के मैनेजर यहाँ के स्टाफ को भी कि शायद अब यहाँ का बिज़नेस थोड़ा और सुधरे और पहले की तरह हाउसफुल्स हों। कैमरामैन मनोज कोहली के साथ पूजा राठौर शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।